स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड मोशंस ऑफ द अर्थ से. एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. यानी कि अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, मूवमेंट होती हैं. एक हम जानते हैं रोटेशन के नाम से, एक हम जानते हैं रिवोल्यूशन के नाम से. इन दोनों के बारे में आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब अगर मैं बोलूँ रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, यानी वो पूरा कहीं किसी के आसपास चक्कर नहीं लगाती, जहाँ खड़ी रहती है वहीं पे घूमती है, तब हम उसको बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, लेकिन एक दूसरा केस आ जाता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. यानी कि जब अर्थ घूमती है सन के अराउंड, एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो वी कॉल इट रिवोल्यूशन. तो दो तरह की मूवमेंट की बात हुई है, पहली है रोटेशन, दूसरी है रिवोल्यूशन. ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. यानी कि जो एक्सिस है, ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, वो हम एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन ग्लोब या जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम दिखाते हैं कि एक एक्सिस है, तो वो एक एंगल बनाता है कितना, 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. उसके ऑर्बिटल ऑर्बिट्स के साथ वो क्या बनाता है, इतना एंगल बनाता है. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. यानी कि वो प्लेन जो ऑर्बिट बनाता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. ऑर्बिट वो होते हैं जिसमें वो घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. अब हमें ये तो पता है कि अर्थ को लाइट कहाँ से रिसीव होती है, सन से रिसीव होती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, स्फेरिकल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर है या कुछ और शेप है. स्फेरिकल शेप होने की वजह से सन से उसको हाफ ही लाइट मिलती है. जितनी मिलनी एक्चुअली, जितनी जैसे समझ लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च के आगे अगर आप एक सामने एक प्लेन स्ट्रक्चर रखेंगे तो वो सारी इक्वल लाइट देगा, लेकिन अगर आप एक बॉल रख देंगे तो आधी ही मतलब बॉल पे लाइट जाएगी, आधी पे नहीं जाएगी. तो इसमें उसी की बात हो रही है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ्स फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देती हूँ. वो पोर्शन जिसमें सन की लाइट जाती है वो डे बोलाते हैं, उसको हम डे बोलते हैं. और दूसरा हाफ जिसमें सन की लाइट नहीं पहुँचती उसको हम नाइट बोलते हैं. एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको ड्रॉ करके. समझ लीजिए आपकी अर्थ ये है, यहाँ से सन की लाइट आ रही है. ठीक है, सन काफ़ी बड़ा होता है, समझ लीजिए इसकी लाइट ऐसे आ रही है. तो ये जो लाइट है ये इस पोर्शन में आएगी, और जिस पोर्शन में वो लाइट आएगी उसको हम डे बोलेंगे, जिस पोर्शन में वो लाइट नहीं आएगी उसको हम नाइट बोलेंगे. तो ये पोर्शन उस टाइम पे डार्क होता है. ठीक है, फिर जब नेक्स्ट डे वो घूम जाता है, यानी कि 24 आवर्स में पूरा रोटेट करता है, तो आधे दिन बाद ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा. तो इस तरह से क्या होगा, डे एंड नाइट स्विच हो जाते हैं. तो इस वाले में हमने पढ़ लिया अबाउट कैसे आपकी अर्थ में हाफ टाइम पे लाइट आती है. द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वो सर्कल जो डे और नाइट को ग्लोब में सेपरेट करता है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. दिस सर्कल डज नॉट को इनसाइड विद द एक्सिस एज यू सीन इन द फिगर 3.2. ठीक है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है. ठीक है, ये देखो आप ध्यान से देख सकते हो, तो इधर की साइड लाइट होगी, इधर की साइड डार्क होगा. और अर्थ स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो नॉर्थ पोल थोड़ा टिल्टेड है. अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट होती है और इसी तरह से रोटेट करती है. ठीक है, और इस सर्कल को हमने बोला है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन पूरी करने में अपने एक्सिस के अराउंड. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. जो ये पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि जिसमें वो रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं अर्थ डे. और ये डेली मोशन होता है अर्थ का. ठीक है, अब देखो लाइट सन की यहाँ पड़ रही है तो इस पोर्शन में क्या है, लाइट है. पीछे लाइट नहीं पड़ रही तो ये डार्क है. ठीक है, और किस तरह से इंक्लाइंड है अर्थ का एक्सिस वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दिखाया है द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट और वो इंक्लाइंड है. तो ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल की बात हो रही थी. नाउ
वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी कि अगर अर्थ ने कभी रोटेट नहीं किया, समझ लीजिए ये रोटेट नहीं करेगी, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमेशा क्या होगा, डे होगा, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमेशा क्या होगा, नाइट होगी. तो ये फर्क पड़ेगा अगर आपकी अर्थ रोटेट नहीं करती. दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, जहाँ पे सन हमेशा पड़ेगा वहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, और जो अदर हाफ है वो हमेशा ठंडा रहेगा, हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा. लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और इस तरह से लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो गर्म है वो गर्म ही रहेगा, तो क्या होगा, लाइफ को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रह पाएगा. नाउ द सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, देखो एक मोशन हमने पढ़ लिया जिसको हम रोटेशन कहते हैं, जिसमें अर्थ यहीं पे चक्कर लगाती है, कहीं और जाती नहीं है. दूसरा कहलाता है रिवोल्यूशन. द सेकेंड मोशन, सॉरी द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जब अपने ही ऑर्बिट में अर्थ चक्कर लगाती है सन के अराउंड, तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. देखो ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन. इट टेक्स, यानी कि इतने दिन वो लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक साल बोलते हैं. वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, 6 घंटे हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जैक्टली इतने टाइम बाद हम बोल देते हैं कि नया साल आ गया है. ठीक है. द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. आर्यभट्ट ने क्या बोला था कि जो अर्थ है वो गोल है और वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है. उन्होंने काफ़ी पहले ये बात बोल दी थी. अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये दिखाया है कि अर्थ की मूवमेंट से कैसे उस पर्टिकुलर जहाँ पे लाइट है उस पर्टिकुलर पोर्शन में या तो विंटर होती है या फिर क्या होती है, समर होती है. देखिए यहाँ पे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर भी एक बार देख लेते हैं. ये सीजन दिखाए हैं, सन की लाइट यहाँ पड़ रही है. ठीक है, तो समर में नॉर्थन हेमिस्फेयर में ऊपर वाले पार्ट में मोस्टली क्या है, समर है, और विंटर है साउदर्न हेमिस्फेयर में. सेम वे में विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, यहाँ पे क्या है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे सर्दियाँ आ चुकी हैं, और जो दूसरी साइड है पीछे की वहाँ पे समर आ चुकी है. डेट भी दे रखी है 21 जून एंड विंटर सोलस्टिक दैट इज 22 दिसंबर. पुरानी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा इस टाइम पे अराउंड क्या होता है, स्प्रिंग आनी शुरू होती है. इस टाइम पे भी दिखाया है ऑटम, यानी देखो ऑटम और स्प्रिंग रिवॉल्व होने से जस्ट एक टाइम पे जहाँ पे समर थी दूसरे टाइम पे वहाँ पे विंटर आएगी, एक टाइम पे जहाँ पे ऑटम थी दूसरे टाइम पे वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्प्रिंग आ जाएगी. 6 आर सेव्ड एवरी ईयर एंड आर एडेड टू मेक 1 day ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years. अब ये जो 6 घंटे, हर बार हम ये बोलते हैं ना कि 365 और 1/4 day, यानी पूरे दिन का क्या होता है, अगर 24 घंटे तो उसमें से 6 घंटे और, तो 6 घंटे हम हर बार बनाते हैं और इस सारे 6 घंटों को हम एक साथ ऐड कर देते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा दिन बन जाए. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. और ये जो एक्स्ट्रा डे हमारा बनता है, जो 6-6 हर साल घंटे एक्स्ट्रा बच रहे थे उन सबको हमने ऐड कर दिया, और वो घंटा हमने जो 6-6 घंटे हमने ऐड किए थे उसको कहाँ लगाया, फाइनली हमने उसको एक एक्स्ट्रा दिन बना दिया. कब, फेब्रुअरी को. दस एवरी 4th ईयर, इसलिए हर 4 साल के बाद फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं. नॉर्मली 28 डेज होते हैं, पर हर 4 साल के बाद 29 डेज होते हैं. सच अ ईयर विथ 366 डेज, जिस बार जैसे कि समझ लीजिए कि अगर आपका इस साल आया 29 डे, तो अब ये साल में 365 डेज तो है नहीं, 366 डेज है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं. फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्डर. यानी हमें क्या क्लियर है, एक नॉर्मल एक जो ऑर्डर बोला है उसको बोला है एलिप्टिकल ऑर्डर है. जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के आसपास ओवल शेप में रिवॉल्व करती है, यानी एक नॉर्मल, जैसे एक तो नॉर्मल शेप होता है कि सर्कल, इसमें क्या होता है, एक ओवल शेप में रिवॉल्व करती है और ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो इसको हम एलिप्टिकल ऑर्डर बोलते ऑर्बिट बोलते हैं. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. एक चीज़ नोट करने वाली है कि चाहे यहाँ पर हो, इधर हो, इधर हो, अर्थ हमेशा एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है. ठीक है. अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इन टू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम.
ऑटम सीजन, एक साल किस 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 में डिवाइडेड होता है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये सारे सीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और ये जो सीजन चेंज होते हैं ये क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन है सन के अराउंड वो चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है एक एक्टिविटी है, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स, टेक अ पेंसिल टू पिन एंड अ लूप ऑफ थ्रेड, नाउ फिक्स दीज पिन्स ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर, पुट द लूप ऑन द पेपर इनक्लोजिंग दीज टू पिन्स इन साइड द लूप, नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो पिन लगाने हैं, थ्रेड बना देना है, इस वाले कोने पे आप एक पेंसिल लगाओगे और उससे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये दोनों कोने तो हिलेंगे ही नहीं, आपने उनको एकदम बांध दिया है, तो ये एक आपका क्या एलिप्स फॉर्म कर लेगा। लुक एट द फिगर 3.3, उसने बोला कि 3.3 को देखो, यू विल सी दैट ऑन 21 जून, यानी कि यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, 21 जून में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। 21 जून में नॉर्थन हेमिस्फीयर ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसकी तरफ टिल्टेड है, वो सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो रेज हैं सन की वो डायरेक्टली कहाँ फॉल कर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसकी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा हीट आ रही है। द एयर एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग, और जो पोल्स के पास का एरिया यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर के पास का एरिया है उस पर ज्यादा लाइट नहीं आ रही है, इसकी वजह से ये हीट भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड है किसकी तरफ, सन की तरफ, ऊपर देख लेते हैं, नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड है, यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये सन की तरफ इंक्लाइंड है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आर्कटिक सर्कल के पास जो एरिया है वो कंटिन्यूस डे लाइट 6 मंथ तक उस पर पड़ेगी, कब तक पड़ेगी, फॉर अबाउट 6 मंथ तक उसके ऊपर कंटिन्यूस डे लाइट पड़ेगी। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है नॉर्थन हेमिस्फीयर का उस पर क्या हो रहा है, उस पोर्शन पे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, इसलिए इस पोर्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम समर है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, सबसे बड़ा दिन और सबसे ज़्यादा छोटा जो नाइट है वो 21 जून को होता है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड, और यहाँ पे क्या होता है, सारी कंडीशन जो होती हैं साउथर्न हेमिस्फीयर पे वो रिवर्स हो जाती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर यानी पीछे की साइड अगर हम देखें, नॉर्थ साउथ की साइड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठंड होती है, इस टाइम पे यहाँ पे विंटर होती है और नाइट्स यहाँ पे लॉन्ग होती हैं डेज के कंपैरिजन में, एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलस्टिस, यानी कि ये जो पोजीशन होती है अर्थ की उसको हम बोलते हैं समर सोलस्टिस। दोबारा देख लेते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन में क्या है, आपकी समर है और बाकी जगह पे क्या है, आपकी विंटर है, तो यहाँ से आपको समर सोलिस्टिस बना। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल टूवर्ड इट। अब यहाँ पे 22 दिसंबर की तरफ आते हैं इधर की साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट केस हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे समर है क्योंकि वहाँ पे लाइट आ रही है। अब ध्यान से देखो, सदर्न हेमिस्फीयर ये रहा, इधर लाइट आ रही है, और विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा मतलब हो चुका है जो सीन था, पहले क्या था, यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स केस हो जाता है, जहाँ पे पहले लाइट पड़ रही थी और समर था उसके जस्ट अपोजिट अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में और वहाँ पे समर है और उल्टी साइड पे क्या है, विंटर है। तो ये आपका एक नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया। नाउ अब 22 दिसंबर को जस्ट अपोजिट आपको पता ही चल गया क्या चीज़ें हुई हैं, एज द सन रेज फॉल वर्टिकुलरली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन जो है सदर्न हेमिस्फीयर का उसको लाइट मिल रही है, ठीक है। देयरफोर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट, यानी यहाँ पे अब क्या केस हो गया है, जो आपका समर है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है और लॉन्ग डेज सदर्न हेमिस्फीयर में है और शॉर्ट नाइट है, जो पहले हमने नोटिस किया था कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद है द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब सेम चीज़ है, जब एक कंडीशन यहाँ पे है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा।
इसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टिस। विंटर सोलस्टिस कब बोलते हैं? जब नदन हेमिस्फेयर के अंदर ठंड हो, समर ना हो और विंटर हो, ठीक है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो विंटर है वो समर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23, यानी कि 21 मार्च को और सेप्टेम्बर 23 को डायरेक्ट रेज जो होती हैं सन की वो इक्वेटर पे गिरती हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ इज एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। यहाँ पे जो लाइट है ना वो टिल्टेड होके नहीं गिर रही हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे फॉल करती हैं। दोनों डेट्स लिख दी हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे जब पूरी अर्थ को सेम ही लाइट मिल रही है तो हम इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, वी कॉल इट इक्विनॉक्स। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो उसने क्या बोला कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और अपोजिट होता है 21 मार्च को जो कि स्प्रिंग आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड ऑटम आता है सदर्न हेमिस्फेयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस इज द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। सो मेन चीज़ जो आपको यहाँ समझनी चाहिए कि अर्थ में कुछ भी चेंजेस आए, चाहे वो डे और नाइट हो, चाहे वो सीजन में चेंजेस आए हो, चाहे समर आए हो, विंटर आए, वो दो प्रोसेसेस की वजह से होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्यों होता है? रोटेशन जब होता है उसकी वजह से डे और नाइट आते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या आता है, आपका पूरा का पूरा सीजन चेंज होता है। और सीजन जो चेंज होने का प्रोसेस है वो एकदम नहीं होता कि आज सर्दी है तो कल एकदम विंटर आ जाएगी, सॉरी आज विंटर है कल समर होगी, आज समर है तो कल विंटर होगी। इट्स अ स्लो प्रोसेस बिकॉज अर्थ भी स्लोली रोटेट करती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये था चैप्टर 3rd 6th ज्योग्राफी का, मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस या और सब्जेक्ट्स के चैप्टर देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे, वरना प्लेलिस्ट के भी मैंने लिंक दे रखे हैं। वरना मेरे चैनल पे डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।